हादिया एक मॉडल विला है, ये 35x70 का है जो कि 10 मरला बनता है, ठीक है। और जो इसका डिज़ाइन है वो मॉडर्न आर्किटेक्चर है, ठीक है। इसमें तीन डिज़ाइन हैं, ठीक है, और मेडिटेरियन है, मॉडर्न है और तीसरा, हाँ बिल्कुल। तो ये है, इसके अंदर आप इसके प्रॉपर जो डिज़ाइन को देख सकते हैं कि इसमें फ्रंट पे कितनी स्पेस होगी, कहाँ कहाँ स्पेस होगी, ठीक है। और जो फर्स्ट पोर्शन है, ग्राउंड पोर्शन के बाद फर्स्ट पोर्शन पे कहाँ स्पेस मिलेगी और स्ट्रक्चर कैसे होगा, बैक के ऊपर कैसे स्पेस मिलेगी, ये एक प्रॉपर इन्होंने मॉडल बनाया हुआ है ताकि जो आप यहाँ पे देखेंगे वही आपको ऑन ग्राउंड ज़मीन पे मिलेगा जब आप बुक करवाएंगे, ठीक हो गया। और इसी तरह ये डिफरेंट स्टाइल है, ये 8 मरले का है, ठीक है, और ये 1 कनाल का है जो हमने वहाँ पे भी देखा था, ठीक है, और ये 14 मरला का है, ठीक है, 14 मरला और 1 कनाल के हैं जो हमने वीडियो में देखे थे, ये वो है, ठीक है, ये मॉडर्न मिला। इसके बाद हम आते हैं मास्टर प्लान की तरफ, ठीक है। सबसे पहले तो मास्टर प्लान को हम शॉर्ट फॉर्म के अंदर दिखाते हैं आपको कि ये मेन बुलेवार्ड है जो कि I-14, 15, 16 के साथ अटैच था जो आपने देखा, ठीक है, और इसके साथ सोसाइटी इंटर होती है, ये I-14 का जो रोड है, हाँ ये I-14, 15, 16 इसके साथ ही हम इस्लामाबाद थाना नून से अंदर हुए थे, तो ये साथ ही सोसाइटी की मेन एंट्रेंस आती है। अच्छा, इसके लेफ्ट साइड के ऊपर यहाँ पे मेंशन भी है चाकरा विलेज, ठीक है, आर्मी वार्ड स्टेशन, वहाँ पे गिरजा रोड जो बिग बैक साइड की जो एंट्रेंस बनती है वो जो हम कहते हैं कि गेट 3 हमारा गिरजा रोड पे आता है, ये वो है, ठीक है, और यहाँ पे गेट 2 आता है जो कि I-16 सेक्टर के बिल्कुल सामने आता है, ठीक है। तो ये एक शॉर्ट फॉर्म में हमारा मास्टर प्लान है। अब इसको जो थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, ये प्रॉपर बनाया हुआ है इसको, तो ये वाली जो हमारी बेसिकली इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट है I-14 की गेट 1 वाली, ठीक है। इसके अंदर स्टार्टिंग के अंदर कुछ कमर्शियल बिल्डिंग्स होंगी और ये सारा जो मैंने आपको बताया था जो अपार्टमेंट्स के लिए जो स्पेसिफिक जगह दी हुई है, ये वो अपार्टमेंट्स है, ठीक। जैसे ही हम इस जगह को क्रॉस करते हैं, हमारे लेफ्ट साइड के ऊपर ट्यूलिप और राइट साइड के ऊपर लिली ब्लॉक आता है। जो हमने मस्जिद वगैरह जो पार्क वगैरह दिखाए थे वो ट्यूलिप ब्लॉक के थे, उसके ऑपोजिट में कुछ कंस्ट्रक्शंस हुई हुई थी वो लिली ब्लॉक है। जैसे ही हम से थोड़ा सा आगे जाते हैं, हमारे राइट हैंड के ऊपर ऑर्चर्ड और लेफ्ट साइड के ऊपर गार्डनिया ब्लॉक आता है, ठीक है। और इन पे हर ब्लॉक के अंदर हर कैटेगरी मौजूद नहीं है, ना ही किसी में 5 मरला 7 मरला है, 10 मरला है, किसी में 10 मरला 14 मरला 1 कनाल है, डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है, ठीक है। और जिस तरह जेरिनियम के अंदर जस्ट 14 मरला का जो कटिंग है वो है, ठीक है। इस वक्त हम देखें वो वहाँ पे मेंशन भी है सेल्स एंड मार्केटिंग ऑफिस, तो हम इस वक्त यहाँ पे हैं, ठीक है। तो ये ब्लॉक आप देख रहे हैं कि बिल्कुल इसके जो हब कमर्शियल है इसके बिल्कुल करीब में आता है, ठीक हो गया। और इसके बाद आप देखें इसके साथ ही रोज़ ब्लॉक है और क्या कहते हैं ये जाइनिया है, आगे डेफोडिल्स है, आयरस है, ठीक है, अच्छा जो इनका न्यू ब्लॉक है मैरीगोल्ड है, ड्यूबेल ब्लॉक जो अभी न्यू लॉन्च है, इनके न्यू ब्लॉक है ना, उनको सोसाइटी ने जो सोसाइटी के पास लेफ्ट राइट के ऊपर लैंड है ना, यहाँ पे इनका प्रॉपरली एक मैप आएगा, ठीक है। अब वो सोसाइटी फाइनलाइज करेगी कि इस साइड के ऊपर आएगा या उस साइड के ऊपर आएगा, ठीक है। लैंड सोसाइटी के पास दोनों तरफ में मौजूद है, ठीक है। अब सोसाइटी ने इसको प्लान करना है कि सोसाइटी इसको मास्टर प्लान के अंदर कैसे जोड़ती है, सोसाइटी इसको कवर करेगी। अच्छा, इस मास्टर प्लान के अंदर आपको हर चीज़ आपको ये पता चलेगा कि कहाँ पे क्या है। आप वहाँ पे मुझसे एक चीज़ पूछ रहे थे कि ये ग्रैंड मॉस्क है कि नहीं, ये तो मैंने आपको कहा था नहीं, ग्रैंड ये बिल्कुल आप देख रहे हैं मेन हब कमर्शियल के एक कोने के ऊपर सोसाइटी ने ग्रैंड मॉस्क को प्लान किया है। बाकी हर ब्लॉक में एक मॉस्क मौजूद है, हर ब्लॉक में कमर्शियल, एक पार्क, छोटा सा कमर्शियल और स्कूल, ठीक है। ये कुछ चीज़ें जो बेसिक नेसेसरी की हैं, ये चीज़ें हर जगह पे मौजूद हैं, ठीक है। और स्पेसिफिकली उधर मतलब के आई पार्क शेप का एक जो पार्क है, ठीक है, ओवल पार्क, ओवल पार्क बिल्कुल वो भी मौजूद है, ठीक है। वहाँ पे प्ले ग्राउंड भी है, किस जगह बन गया ये जो बिल्कुल आप अपने सामने देख रहे हैं ना, ये हाँ बिल्कुल ये सेंटोरस मॉल 2 है, इसके ऊपर जो आप देख रहे हैं कुछ बना हुआ है वो रोलर कोस्टर, ठीक है, ये प्रॉपर इसी तरह बनेगा। इसके बिल्कुल लेफ्ट राइट के ऊपर सारे जो बिल्डिंग्स आएंगे वो कमर्शियल की आएंगे, हाई राइज बिल्डिंग है,
अच्छा, बीच में एक ये बिल्डिंग देख रहे होंगे कि जो कि एक हट के है, जिसके आगे होटल लिखा हुआ है। ये 14 फ्लोर का एक होटल है जो कि 4-स्टार होटल होगा। ठीक है, ये MOUs वगैरह साइन हुए हुए हैं, ये होटल यहाँ पे डिज़ाइन कर चुकी है। इसके साथ एक छोटा सा एक और भी मॉल होगा जो कि अलग से एक मुनफरद चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, वो वहाँ पर मैंशन भी है। थोड़ा सा आपको मैं आगे था। इसी तरह ना ये इंटरेस्ट जो है ना, ये गेट 2 किया, I-16 किया मैंने, छोटे मास्टर प्लान के ऊपर आपको दिखाया था, और गेट 2 के अंदर I-16 की जो इंटरेस्ट ग्रेवयार्ड भी है। हाँ, ग्रेवयार्ड एक से ज़्यादा जगहों पे है, एक ग्रेवयार्ड यहाँ पे है, एक ग्रेवयार्ड वहाँ पे है, एक वो जो डेफोडिल्स ब्लॉक है उसकी बैक साइड पर लगता है। इस तरह ग्रेवयार्ड के लिए भी एक से ज़्यादा जगह की स्पेसिफिकेशन है, एक से ज़्यादा जगह के लिए रखा हुआ। ठीक है, अच्छा ये देखें आप, नॉर्मली आपको ये किसी सोसाइटी में नहीं नज़र आएगा जहाँ पे ये लिखा हुआ है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। हाँ, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, यहाँ पे इसको प्रॉपर वेस्ट वाटर को मैनेज किया जाएगा। ठीक है, और प्लस इसके अंदर ये सारी चीज़ें जो हैं, ये ग्रेवयार्ड यहाँ पे है, ये जेरेनियम है, ये आइरिस है, ये डैफोडिल्स है, ये रोज है, वो गार्डनिया है, ठीक है, इसी तरह मैरी गोल्ड है। ये सारे 13 ब्लॉक्स हैं जो कि सोसाइटी ने डिफरेंट फ्लावर्स के नाम पे रखे हैं, और ये जो गिरजा रोड जो बैक साइड की सोसाइटी की बनती है, ये वो है मेन गिरजा रोड है। यहाँ पे भी हाँ गेट 3 होगा, यहाँ पे भी मॉस्क है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी आप देख सकते हैं स्कूल्स के लिए भी स्पेसिफिक एरिया दिया हुआ है, और ये जो मार्केटिंग ऑफिस है ये भी बेसिकली गार्डनिया ब्लॉक के अंदर आता है, गार्डनिया में आता है। ठीक है, क्योंकि इसके बिल्कुल ऑपोजिट में आप देखेंगे ना, बाहर निकल के ऑपोजिट में देखेंगे तो वो ऑर्चर्ड ब्लॉक है। ठीक है, और इस तरफ देखेंगे जहाँ पे ये मार्केटिंग ऑफिस, और मार्केटिंग ऑफिस के लेफ्ट राइट की जो लैंड आती है, ये सारी लैंड गार्डनिया ब्लॉक में आता है। ठीक है, और इसी मार्केटिंग ऑफिस के लेफ्ट राइट के ऊपर ये जो सारी जगह है ना, कुछ स्पेसिफिक लैंड छोड़ी हुई है जिसके अंदर स्कूल्स, प्लेग्राउंड्स, ओवल पार्क जिस तरह आपने बताया, लेजर क्लब, सफारी पार्क, हॉस्पिटल जो एक होगा, अच्छा हॉस्पिटल एक ही होगा। ठीक है, जो एक अच्छा एक, बाकी अगर जो प्राइवेट क्लिनिक्स कोई आते हैं वो तो डेफिनेटली आएंगे, जो हमारा हब कमर्शियल है ज़ाहिर है वहाँ पर भी कोई हॉस्पिटल और वो आएंगे, लेकिन जो सोसाइटी की तरफ से एक प्लान हॉस्पिटल है, एक अच्छे लेवल का प्लान हॉस्पिटल है, ठीक है, वो एक ही है और वो यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, ये हॉस्पिटल आप मैंशन भी है, इसको आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये चीज़ें आ रही हैं। तो ग्रेवयार्ड की बात कर रहे थे हम, तो वो देखिए ग्रेवयार्ड वहाँ पे भी मेंशन है, इसी तरह कुछ 4 से 5 जगहों पे ग्रेवयार्ड को तरतीब दिया जाएगा एक प्रॉपरली। ठीक, तो ये एक हमारा मास्टर प्लान था सोसाइटी का, और आपको मज़े की बात बताऊँ, वो आपने एंड पे देख रहे हैं वो एक ग्रिड स्टेशन है, ये इलेक्ट्रिसिटी आपकी अंडरग्राउंड होगी और सिग्नल फ्री कॉरिडोर होगा। ठीक है, तो इसलिए ये ग्रिड स्टेशन वगैरह ये तमाम चीज़ों को प्लान किया गया है। तो यहाँ पे वाटर, इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ, एवरीथिंग अवेलेबल होगी, और एवरीथिंग एवरी टाइम के लिए अवेलेबल होगी, मतलब ऐसा नहीं होगा उसके अंदर रुकावट नहीं होगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये मास्टर प्लान था जो मैंने आपको बताया, और कुछ ब्लॉक्स ऐसे हैं जिनका भी हम बाहर जाके विजिट करवाते हैं लोगों को, तो अभी हम बाहर की तरफ चलते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे जो विलास हैं वो भी हर ब्लॉक के अंदर मौजूद है, या विला सिर्फ कुछ कुछ ब्लॉक? हर ब्लॉक के अंदर विलास मौजूद है। हाँ, स्पेसिफिकली 2 से 3 ऐसे ब्लॉक हैं जिनके अंदर सोसाइटी ने अभी विला लॉन्च नहीं किया। ठीक है, तो जाहिर है जैसे ही सोसाइटी उनके ऊपर विलास का जो स्ट्रक्चर है वो लेकर आएगी, तो उसमें भी विलास मौजूद होंगे, बाकी ऑलमोस्ट ब्लॉक्स के अंदर विलास मौजूद हैं। ठीक है, वही 3 डिज़ाइन के विलास मौजूद हैं, डिफरेंट साइज, डिफरेंट साइजेस में। चलते हैं बाहर की तरफ, कुछ ब्लॉक्स को कवर करते हैं। अच्छा हादिया, ये इस वक्त हम खड़े हैं ऑर्चर्ड ब्लॉक के अंदर, और जो मैं आपको बता रहा था कुछ ब्लॉक डेवलप हैं वो हमने देख लिए, कुछ सेमी डेवलप हैं, ये ब्लॉक सेमी डेवलप में आते हैं। ऑपोजिट पे जो मार्केटिंग ऑफिस है और गार्डनिया ब्लॉक है, ये ऑर्चर्ड, ये सेमी डेवलप के अंदर, तो सामने वाला गार्डनिया में आता है, गार्डनिया में आता है, ये ऑर्चर्ड आता है, ये सेमी डेवलप इसीलिए है, इसकी डेवलपमेंट आपके सामने है, रोड्स वगैरह, ठीक है, वो वाटर के कनेक्शंस हो गए या वायरिंग के कनेक्शंस हो गए, ये चीज़ें इसके अंदर डली हुई हैं। ठीक है, right. अभी थोड़ी सी जो चीज़ें रह गई हैं वो जैसे ही सोसाइटी कंप्लीट करेगी तो ये सेमी डेवलप टू फुली डेवलप हो जाएगा। ये ऐसे ब्लॉक्स हैं जिनका सोसाइटी ने कुछ महीने के अंदर इनके मतलब पोजेशन भी देना है, कंस्ट्रक्शन की इजाज़त भी देनी है। right. इसी तरह ये आप मशीनरीज देख रहे हैं, ठीक है, ये सारी मशीनरी इस टाइम तो रुकी हुई है,
बट ये दिन में काम कर रही होती है, ये जो स्ट्रीट्स वगैरह है, ये सर्विस रोड है, बैक पे स्ट्रीट्स हैं, इसी तरह प्रॉपरली इसकी डेवलपमेंट चल रही है, ठीक, बिल्कुल इसी तरह ऑपोजिट ब्लॉक के अंदर भी चल रही है और आगे जो दो तीन ब्लॉक्स ऐसे हैं उनके अंदर भी प्रॉपरली इसी तरह की डेवलपमेंट चल रही है। तो ये सेमी डेवलप ब्लॉक है। अच्छा, तो इसके हर ब्लॉक का जो पेमेंट प्लान है वो डिफरेंट क्यों है? आपका ये क्वेश्चन था कि इस मतलब एक से ज़्यादा पेमेंट प्लान क्यों है। हाँ, अगर हम ताज रेजिडेंशियल को देखें ना, तो इसके अंदर इसको हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, नॉन डेवलप ब्लॉक, सेमी डेवलप ब्लॉक्स और डेवलप ब्लॉक्स। नॉन डेवलप, सेमी डेवलप और डेवलप, तीन डिफरेंट ब्लॉक्स टाइप्स होने की वजह से इनके तीन पेमेंट प्लान है, ठीक है। अगर आप नॉन मतलब के एक ऐसा बंदा है जो अफोर्ड ही कम कर सकता है बट उसने ताज रेजिडेंशियल में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उसके लिए सोसाइटी के पास क्या ऑप्शन है? नॉन डेवलप ब्लॉक्स, ठीक है। उसके अंदर क्या होगा, थोड़ा सा टाइम फ्रेम ज़्यादा होगा बट उसको प्लॉट तो डेफिनेटली मिलेगा, प्लॉट डिलीवर होगा, लेकिन टाइम फ्रेम थोड़ा ज़्यादा होगा तो उसको रेट थोड़ा कम होगा। उसके बाद आते हैं इस टाइप के सेमी डेवलप ब्लॉक्स, ये हो गया गार्डिनिया हो गया, आगे दो तीन ब्लॉक्स हैं, इस तरह के जो ब्लॉक्स आएंगे उसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा रेट होगा नॉन डेवलप ब्लॉक की नस्बत, ठीक है। और अगर फिर एक पर्सन है जिसको 100% मौके के ऊपर चीज़ चाहिए कि ये इसका प्लॉट है, फ़ौरन वो बनाया परचेज करें, कंस्ट्रक्शन करें, तो उसके फिर ऑप्शंस आते हैं डेवलप ब्लॉक के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तीन कैटेगरी, तीन टाइप्स होने की वजह से सोसाइटी में तीन पेमेंट प्लान्स सर्कुलेट कर रहे हैं। और अभी कोई बंदा अगर इन ब्लॉक्स में इन्वेस्टमेंट करता है तो उसका जो ROI होगा, आगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो कितना आपका लगता है किस तरीके से ऊपर जाएगा? देखिए, ये अभी ब्लॉक नौ सेमी डेवलप होने की वजह से कदरे कम है डेवलप ब्लॉक से भी, और इसके जो राउंड सराउंडिंग CDA के सेक्टर्स हैं उनसे तो बहुत ही कम है, ठीक है। जैसे ही ये कुछ थोड़ा सा डेवलप हो जाएगा, इधर भी आबादी आ जाएगी, लोग रहना शुरू हो जाएंगे, तो कम से कम भी इनके रेट्स के ऊपर मोर देन 15-20 lakh का जंप हम देखते हैं, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा टाइम फ्रेम के अंदर नहीं, ये विद इन 2-1.5 years के राउंड सराउंडिंग के अंदर ये जब देखेंगे। तो जाहिर है इस टाइम पे भी जो इन्वेस्ट करेगा तो वो भी एक, क्योंकि ये एक स्टार्ट टू पीक पॉइंट है, यानी कि यहाँ से आगे पीक स्टार्ट होने वाला है, प्रॉपर पीक स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। पीछे जिन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की उनको भी प्रॉफिट मिला, ठीक है, उनकी हो सकता है जो प्रॉफिट रेशियो की जो स्पीड है वो थोड़ी सी स्लो हो, यहाँ से आगे की स्पीड बहुत तेज है प्रॉफिट की। तो हादी, ये बहुत अच्छा मौका है, ऐसा टाइम है ये इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि यहाँ से आगे पीक स्टार्ट है, तो ये बहुत अच्छा मौका है इन्वेस्टमेंट करने का। कोई भी पर्सन अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो मैं आपसे भी यही कहूँगा कि अगर किसी ने भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो ये टाइम, इस टाइम को वेस्ट ना कीजिएगा, और विरासत के प्लेटफॉर्म पर इस की आपको तमाम इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आप इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, उसका पैटर्न क्या है, प्रोसीजर क्या है, रेट्स क्या हैं, ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपको हमारे विरासत के प्लेटफॉर्म से मिलेगी। तो आप हमसे रब्ता करें, हमारे नंबर्स आपको नॉर्मली भी वीडियोस में मिलते हैं, इस वक्त भी आपको नंबर्स नज़र आ रहे होंगे, तो हमसे रब्ता करना ना भूलें। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप ये टाइम वेस्ट बिल्कुल ना कीजिएगा, और इस टाइम, क्योंकि यही टाइम फ्रेम होता है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको बहुत जल्दी मिलता है और बहुत अच्छा मिलता है। तो विरासत के प्लेटफॉर्म से आप इस तमाम चीज़ों को आप देख सकते हैं, और आप इसके अंदर बुकिंग के प्रोसीजर्स हो गए, आपने इनका रेट देखना है, पेमेंट प्लान देखना है, रेट्स के अंदर डिफरेंस देखने हैं, ये तमाम चीज़ें आपको विरासत के प्लेटफॉर्म से मिल जाएंगी। तो विरासत के आपको नंबर भी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे, तो हमसे रब्ता करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और हादी, आप हम चलते हैं आगे की तरफ, एक पॉइंट पे जाएंगे और एक पॉइंट से हम कुछ और चीज़ें दिखाएंगे कि लाइक सेंटोरा स्मॉल टू कहाँ एग्जिस्ट करेगा, और डिफरेंट दो ब्लॉग्स आ रहे हैं वो कहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, चलते हैं आगे चलते हैं। अच्छा हादिया, कुछ आपने डेवलप ब्लॉक्स और सेमी डेवलप ब्लॉक्स देखे, अब यहाँ से आगे की तरफ जो एरिया है ना सोसाइटी का, ये नॉन डेवलप है, जिसमें जाइनिया हो गया और मैरी गोल्ड, जैस्मिन और डिफरेंट कुछ ब्लॉक्स हैं, ठीक है, ये अभी डेवलप सोसाइटी ऐसा ऐसा कर रही है। अब कुछ लोगों के सवालात होते हैं कि जी अभी तक इस तरह पड़ा हुआ तो पता नहीं कितने साल लगेंगे, तो उनके लिए मैं यही कहूँगा कि ये जो लैंड है ना, ये लैंड चैलेंजिंग लैंड नहीं है, ठीक है, ये जस्ट मट्टी है, इसको कवर अप करना, इसको प्लान करना ये चीज़ें चैलेंजिंग नहीं है, एक नॉर्मल वर्क है, ठीक है। यहाँ तक सोसाइटी ने प्रॉपर कटिंग ब्लेड वगैरह मार के ये चीज़ों को, इस पैच को पूरा कवरअप कर लिया। अब जो सेंटोरा स्मॉल टू और हब कमर्शियल बनेगा वो हमारा बिल्कुल ये जो डेप्थ सी जगह है थोड़ी
थोड़ी ये ना ये इस पैच के ऊपर सेंटोरस मॉल 2 और डिफरेंट हब कमर्शियल आएगा, ठीक है, और यहीं से इसी तरह आगे ब्लॉक चलते जाएंगे और जो हमारी I-16 वाली जो इंट्रेस आएगी ना, वो जो आपको सामने बिल्डिंग्स नजर आ रही है, इस तरफ से हमारी जो सेकेंड इंट्रेस गेट टू जो है, बिल्कुल, जो कि I-16 के मेन बुलेवर्ड पे जाके अटैच होता है, ठीक है, वहाँ पे होगा। जाहिर है आप आने वाले वक्तों के अंदर जैसे ही इसको भी थोड़ा डेवलप करेंगे तो वो वहाँ पे हमारे लिए जाना भी थोड़ा आसान हो जाएगा, एक्सेस फास्ट हो जाएगी, तो आप वहाँ से भी डायरेक्टली आ सकेंगे, यहाँ से भी आ सकेंगे। तो और सेकेंड चीज़ जो है, ये जो हब कमर्शल है, इससे जो गेट टू की जो इसका डिस्टेंस है टोटल, ये 0.75 किलोमीटर है, 0.75, तो यानी 1 किलोमीटर भी नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी अगर पर्सन कहे कि जी हमने जस्ट डेवलप ब्लॉक के अंदर ही जाना है, मेन हब कमर्शियल से जो दूसरा ब्लॉक है वो इतना ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि जिस तरह मैंने आपको बताया सोसाइटी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, ठीक है, और हर ब्लॉक के अंदर 700-800-600-400 डिफरेंट ब्लॉक के अंदर डिफरेंट टाइप्स की कटिंग, और ये एक लिमिटेड है, ठीक है, तो ये चीज़ है। अच्छा, मुझे तो एक चीज़ बहुत फैसिनेट की इस जगह के बारे में कि बहुत लाइक सिटी के अंदर ही ये सोसाइटी आ रही है, बट एट द सेम टाइम बहुत पुरसकून वाली जगह है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि ये आप जैसे सिटी से मूव होंगे साथ ही आपकी सोसाइटी भी आएगी और पुरसकून भी है, ठीक है। अब ये इस पूरी पट्टी को देखें, आप आने वाले वक्तों के अंदर, जाहिर है सिटी के अंदर ट्रैफिक का भी आपको पता है कितनी ट्रैफिक है, इस पैथ से आप सीधा बाहर निकल सकते हैं, एयरपोर्ट हली इंटरचेंज कश्मीर हाईवे आपकी एक्सेस में है, बैक से आप फौरन अंदरून पिंडी को हासिल कर सकते हैं, यानी कि 15-20 मिनट के अंदर आप 25 मिनट के अंदर मैक्सिमम आप सदर के अंदर होंगे, ठीक है, ये है। और यहाँ से आपके सामने I-14 और I-14 से आप जी सेक्टर्स इस्लामाबाद के कश्मीर हाईवे, यहाँ पे आपकी 10-15 मिनट की एक्सेस होगी, इससे ज़्यादा दूर नहीं है। तो इस तरह से देखा जाए तो सोसाइटी का जो एक है, मतलब के जो लोकेशन बनती है, वो आइडियल इसी वजह से है कि आप सिटी के पिंडी इस्लामाबाद के किसी भी एरिया के अंदर आसानी से जल्दी मूव हो सके, आपके पास मिड की एक, हाँ, एक एक्सेस ऐसी होती है, क्योंकि अगर आप नॉर्मली भी देखें ना तो आपका अगर आप एफ सेक्टर से आप बैरियर DHA का डिस्टेंस देखते हैं तो आपको ट्रैफिक भी मिलती है और मोर देन 30 किलोमीटर का डिस्टेंस भी बनता है, ठीक है। तो आपको यहाँ से क्या आसानी होती है, आप यहाँ से बैक सदर से भी आप फौरन कचहरी चौक पर निकल के बैरियर की तरफ मूव हो सकते हैं। तो जिस टाइप की कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जो कि हर क्लाइंट को नहीं पता चलता, हर बंदा नहीं जानता, तो ये चीज़ें होती जो कि हमारा काम होता है कि यार हम ये चीज़ें बताएं क्लाइंट को, ताकि वो फैसला करने के अंदर उसको आसानी हो जाए। तो ये चीज़ें हैं, तो ये भी आने वाले वक्तों के अंदर भी हम आप लोगों को दिखाते रहेंगे कि जी आप यहाँ तक डेवलप हो गया, आप वहाँ तक डेवलप हो गया, तो जैसे जैसे इसकी डेवलपमेंट भी बढ़ती जाएगी हम इसके ऊपर मज़ीद वीडियोज़ भी बनाएंगे, मज़ीद चीज़ों को भी अपडेट करेंगे। तो अभी हम चलते हैं वापस, क्योंकि अंधेरा भी हो गया, आए जी चलते हैं। जी तो नाज़रीन, ये थी आज की केस स्टडी, जो कि आपने मुझे उम्मीद है कि आपने इसको एंजॉय किया होगा, आपको इसके सोसाइटी के हवाले से प्रॉपर नॉलेज मिली होगी। अगर इसके अंदर कोई चीज़ आपको ना समझ आए या कोई एक्स्ट्रा नॉलेज आपको चाहिए हो, जो आपके कंसर्न्स हो, जो आप जानना चाहते हो, तो आप हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में बेल आइकन को भी लाजमी दबा दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुँचता रहे। और मुझे अभी दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।